हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उस चीज की ग्रेविटी हम में से 90% लोग नहीं समझते। चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, उसे हमारे स्टेट पे कब्जा करना है एंड हम लोग उसे रोक सकते हैं। डोंट बिलीव मी, वील फाइंड आउट। नाउ हम इतना बोल रहे हैं कि चाइना को अरुणाचल प्रदेश चाहिए, क्या हम सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं? हाउ डू वी ट्रूली नो चाइना वांट्स अरुणाचल प्रदेश? वेल, ऑब्वियसली इसके कुछ सबूत हैं। सबूत नंबर 1, 1962 का इंडो चाइना वॉर। मार्च 1914 में ब्रिटिशर्स ने भारत के एक मैकमोहन लाइन को कंट्रोल बनाया जो इंडिया और टिबेट के बीच के बॉर्डर्स को क्लियरली डिफाइन करता था। नाउ दिस लाइन ऑब्वियसली नीडेड टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल द कंट्रीज, बट 20th अक्टूबर 1962 को चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर हमला बोल दिया। एक वॉर छिड़ गया और इंडिया ने अक्साई चिन को खो दिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश आज भी हमारे साथ ही है। सबूत नंबर 2, अपोजिंग लोन ग्रांट्स फॉर अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में 2009 में ही इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने, जो कि इंटरनल फोरम है, वहां से बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट के लिए लोन्स मांगे थे, बट चाइना वन ऑफ इट्स वोटिंग मेंबर्स ने इस ग्रांट को अपोज कर दिया क्योंकि ये लोन अरुणाचल प्रदेश के लिए भी यूज होने वाला था। अब इसमें चाइना का ये कहना था कि क्योंकि अरुणाचल एक चाइनीज टेरिटरी है तो उसके डेवलपमेंट भी चाइना ही करेगी और इंडिया नहीं करेगी। सबूत नंबर 3, हमारी ही टेरिटरी के बदले हमारी ही टेरिटरी ऑफर करना। सुधीन्द्र कुलकर्णी, अ फॉर्मर एड टू प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, कहते हैं कि जब चाइनीज प्रीमियर ज़ाओ एनलाई इंडिया की विजिट पर थे तब उन्होंने पीएम वाजपेयी से ये कहा था कि हम अरुणाचल प्रदेश का क्लेम छोड़ देंगे लेकिन उसके बदले में इंडिया को अक्साई चिन का क्लेम छोड़ना होगा। सो बेसिकली हमारी ही टेरिटरी के बदले हमारी ही टेरिटरी क्लेम करना। सबूत नंबर 4, वीजा डिनाइड टू IAS गणेश कौर। 2007 में इंडिया के 107 मरून पासपोर्ट होल्डर्स यानी कि IAS ऑफिसर्स चाइना जा रहे थे एक ऑफिशियल विजिट पर, लेकिन उसमें से एक ऑफिसर गणेश कऊ एक अरुणाचल प्रदेश कैडर के ऑफिसर थे। तो अब यहाँ पर चाइना ने सिर्फ उनका ही वीजा रिजेक्ट करके ये कहा कि आप तो चाइनीज सिटीजन ही हो तो आपको वीजा की क्या जरूरत है। और इसके अलावा छोटी मोटी चीजें तो चाइना करता ही रहता है, जैसे कि अपने देश में चाइनीज मैंडरिन टिबेटन में अरुणाचल प्रदेश के जगहों के नाम बदल देना। ऐसे 15 नाम अब तक चाइना बदल चुका है और इन फैक्ट अरुणाचल के भी नाम उन्होंने जंगनन रखा है। बट चलो, anyway, the question still stands, why do they want अरुणाचल प्रदेश? So well, चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहा है, उसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, ज्योग्राफी एंड कल्चर। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल ये साफ साफ कहता है कि चाइना का ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश का तवांग मॉनेस्ट्री एक वक्त पर सदर्न टिबेट का ही एक हिस्सा था। पर्टिकुलरली उसका कनेक्शन था चाइना की लासा मॉनेस्ट्री से। सेकेंडली, अरुणाचल प्रदेश मोनपा ट्राइब टिबेटन बुद्धिज्म प्लस टिबेटन कल्चर फॉलो करता है। सो इन्हीं दोनों के कनेक्शन के बेसिस पर चाइना अरुणाचल पर अपना हक जताना चाहता है। रीजन नंबर 2, चाइनाज एंग्जाइटी इन द वेक ऑफ टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। अब ये क्या है? सो 1949 में चाइना के टिबेट इन्वेजन के बाद दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स ने इंडिया में रेफ्यूज लिया था। अब अप्रैल 29, 1959 में ऑफिशियली सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन CTA और मोस्ट पॉपुलरली नोन एज टिबेटन एग्जाइल एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी लेटर शिफ्टेड टू धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश किया गया और इसे ही टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहा जाता है। अब इसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड दलाई लामा के कनेक्शन की वजह से चाइना को ये लगता है कि इंडिया टिबेट में एक टिबेटन इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। नॉट ओनली दैट, चाइना का ये भी मानना है कि टिबेट इशू आज तक इंडिया की वजह से ही वर्ल्ड वाइड बर्निंग है। क्यों? क्योंकि दलाई लामा और सेंट्रल टिबेट एडमिनिस्ट्रेशन CTA को मीडिया कवर इंडिया की वजह से ही मिलता है। रीजन नंबर 3, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अरुणाचल प्रदेश एक काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसीलिए चाइना को ये डर है कि अगर इंडिया यहाँ से ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लाइक अग्निवीर या फिर क्रूज मिसाइल लाइक ब्रह्मोस लॉन्च करता है तो वो मेनलैंड चाइना को हर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। सो ये कुछ रीजंस थे चाइना के अरुणाचल प्रदेश इंडिया से मांगने की, इंडिया से लेने की। बट अब ये जानते हैं कि इसको हासिल करने के लिए चाइना स्ट्रेटजीज क्या बना रहा है। सो वेल, स्ट्रेटजी नंबर 1, भूटान स्ट्रेटजी। भूटान ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इस इंटरनेशनल फोरम पर साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन ईस्टर्न भूटान के लिए कुछ फंड्स मांगे थे, कुछ फंड्स की रिक्वेस्ट रखी थी, जिसको चाइना ने इससे अपनी चाइनीज टेरिटरी क्लेम करते हुए अपोज कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों? सो वेल, अरुणाचल प्रदेश भूटान के ईस्टर्न बॉर्डर पर पड़ता है तो अगर चाइना ये एक्वायर करता है तो उसको भूटान पर ईजी एक्सेस हो जाएगा।
रीजन नंबर टू, रिवर स्ट्रेटजी। चाइना सैंग पो यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर को इंडिया के अगेंस्ट एज ए जियो स्ट्रेटेजिक वेपन यूज करना चाहता है, जैसे उसने 2000 में इस रिवर पर डैम कंस्ट्रक्ट करके किया। इसका मोटिव सिंपल था, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट का वाटर सप्लाई कट और तुरंत वाटर को रिलीज करके फ्लड सिचुएशंस करना, ताकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सके। और ऐसे हुआ भी, प्रॉब्लम क्रिएट हुए भी। रीजन नंबर थ्री, ट्रूप्स एंड मिसाइल सिस्टम्स। रोबोटिक सोल्जर डिप्लॉयड IDSA के एक ओकेशनल पेपर के अनुसार चाइना ने इंडो चाइना बॉर्डर पर 300,000 PLA ट्रूप्स डिप्लॉय किए हुए हैं और हाल ही में अपना एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम CSS-5 MR BM भी डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन यही नहीं, अभी हाल ही में दिसंबर 2021 की न्यूज रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि चाइना ने तो अब वहां पर अपने रोबोटिक सोल्जर्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं। स्ट्रेटजी नंबर टू, चाइना सेटिंग अप विलेजेस नियर इंडियन बॉर्डर्स। चाइना ने अपने इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर साल भर में ही गांव बसा दिया है। ये देखो, इनके एस्टैब्लिशमेंट के लिए प्रॉपर पॉलिसीज भी डेवलप की गई है। प्लान ऑफ टार टिबेटन ऑटोनॉमस रीजन, इसके तहत ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस ऑफ मॉडरेट प्रॉस्पेरिटी इन बॉर्डर एरियाज, एंड इसके लिए फंड्स भी एलोकेट कर दिए गए हैं। बट बॉर्डर पे विलेजेस बांध देने से चाइना को क्या बेनिफिट है? सो वेल, ये विलेजेस चाइना के लिए बॉर्डर एरियाज में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करता है, क्योंकि इन इलीगली ऑक्यूपाइड चाइना के बॉर्डर्स को विलेजर्स खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा विलेजर्स ने ही ग्लोबल टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था। स्ट्रेटजी नंबर फाइव, चाइनीज ट्रांसग्रेशंस। चाइना अब तक 1000 बार घूसखोरी कर चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक 2016 से 2018 तक चाइना ने इंडियन टेरिटरीज में अब तक 1025 बार घूसखोरी कर चुका है। स्ट्रेटजी नंबर थ्री, चाइनीज ट्रांसग्रेशंस। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा 2016 से 2018 तक इंडियन टेरिटरी में चाइना ने 1025 बार घुसखोरी की थी, जिसमें चाइना का मकसद सिर्फ और सिर्फ टेरिटरीज को ग्रैब करना और इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाना था। स्ट्रेटजी नंबर फोर, सपोर्टिंग इंसर्जेंसीज अगेंस्ट इंडिया। चाइना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इनस्टेबिलिटी लाना चाहता है, एंड इसके लिए चाइना इंडिया में मौजूद बहुत से इंसर्जेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग एंड वेपन सप्लाई करने के साथ साथ भागे हुए इंसर्जेंट्स को एक सेफ हेवन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। पर चलो, अब हमने चाइना की ये स्ट्रेटजीज तो देख ही ली, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि हमारा देश, हमारा इंडिया इन सारे स्ट्रेटजीज को कैसे डिफेंड करता है और अपने बॉर्डर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, जिसे बाय द वे डेटरेंस भी कहते हैं। सो डेटरेंस नंबर वन, डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम। इंडिया ने डेटरेंस के लिए कई पावरफुल इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय किया है, जिनमें है सबसे पहले आकाश, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइनीज एयर अटैक्स को डिटर करेगा। दूसरा है निर्भय क्रूज मिसाइल, जो एज लो एज 100 meters फ्लाई करके एनिमी रेडार्स को इवेड कर सकता है। तीसरा है ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन, जिसकी कैपेसिटी 400 kilometers है। एंड चौथा है 2 to 5 kilometers तक का रेंज शोल्डर फायर मिसाइल, जो एक लो लाइंग हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट को भी टारगेट कर सकता है। डेटरेंस नंबर टू, डिप्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स विद एयर सपोर्ट। IDSA के आर्टिकल के मुताबिक इंडिया के ईस्टर्न सेक्टर में 120,000 इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं, जिन्हें अब एयरफोर्स के 2 Sukhoi 30 MKI स्क्वाड्रंस तेजपुर असम से सपोर्ट किया जाता है। अब ऐसा इसीलिए बिकॉज आर्मी को एयरफोर्स या ऐसे किसी भी सपोर्ट के ना मिलने की वजह से पास्ट में भी इंडिया ने 1962 में जंग हारी थी। डेटरेंस नंबर थ्री, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। नाउ एज पर अनंत कुमार सिंह, एन इंजीनियर विद द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ने 20 ब्रिजेस, कई की रोड्स और टनल्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, जो इन द फ्यूचर इंडिया के फोर्सेस और इक्विपमेंट्स के फास्ट मूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल और एडवांटेजियस होने वाला है, एंड जिससे ऑब्वियसली चाइनीज इंकर्जन के दौरान या फिर इन्वेजन के दौरान इंडिया फास्ट एक्ट कर पाएगा। डेटरेंस नंबर फोर, आर्मी पर्सनल लर्निंग टिबेटोलॉजी। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को टिबेटोलॉजी पर कोर्स दिया जा रहा है। बट वेट, व्हाट्स टिबेटोलॉजी? वेल, टिबेटोलॉजी का मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री अलोंग विद बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जो ऑब्वियसली एज यू मे नो टिबेट में फॉलो की जाती है। एंड जिससे बेसिकली हम चाइना के बारे में सब कुछ जानकर जरूरत पड़ने पर उस जानकारी को चाइना के ही खिलाफ यूज कर सकते हैं। डेडली राइट? डेटरेंस नंबर फाइव, इंडियन पॉलिटिशियंस विजिट मेक्स चाइना वरी। चाइना इंडियन लीडर्स के अरुणाचल प्रदेश के विजिट पर हमेशा ऑपोजिशन दिखाता है, बिकॉज इंडियन लीडर्स के विजिट से चाइना को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि अरुणाचल एक इंडियन सॉवरेन टेरिटरी है, एंड अरुणाचल प्रदेश के लोगों का इंडिया पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और इसके वजह से एक और एक चीज जो होता है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों का इंडिया के लिए स्ट्रॉन्गर ट्रस्ट और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी बिल्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2021 में इंडियन मिनिस्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जब अरुणाचल विजिट पे गए थे तब हुआ था।
Now, Flurnos, with all these deterrent strategies, वहाँ border के development में भी government काफी initiatives ले रही है, जैसे कि border area development programs. लेकिन इस प्रोग्राम को sufficient fund allot करने के बाद भी government report के अनुसार उस state के 80% लोग उस programs के implementation से unsatisfied है. इसकी वजह ग्राउंड लेवल पर काफी कम डेवलपमेंट. बट वेट, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या इंडिया इन सभी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के बावजूद अरुणाचल को चाइना से बचा पाएगा? आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्योंकि ऑनेस्टली अगर हम ये आंसर करने लग जाए तो इस पे एक अलग ही वीडियो बन सकता है. तो अगर आपके खुद के इसके बारे में कोई ओपिनियन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो और मैं आपके लिए एक दूसरा फ्लर्न डेडिकेटेड वीडियो उस पे बना के लेकर आऊंगी. इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो. ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पैक लगा तो इसे एक लाइक कर दो और ऐसे ही फ्लर्न वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना वरना आप फ्लर्न के नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. जय हिंद.